नमस्कार दर्शक दोस्तों, सुजत चैनल के विशेष एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पूर्णिमा नादकर्णी जी से, जो 21st सेंचुरी हॉस्पिटल की संचालिका हैं और वंध्यत्व यानी कि इनफर्टिलिटी के संदर्भ में विशेषज्ञ हैं। इस विषय की हम इनफर्टिलिटी के बारे में आज उनके साथ बात करेंगे, लेकिन इनफर्टिलिटी के पहले हम बात करेंगे इनसे इलेक्शन के लिए। मैडम, विधानसभा का चुनाव गुजरात का है, आप जानते हैं 13 तारीख को और 17 दिसंबर को ये होने वाला है। हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप महिलाओं को जागृत करें, उनको मतदान का महत्व समझाएं, ताकि मतदान कितना ज़रूरी है, अगर आप मतदान नहीं करते तो कितना बड़ा नुकसान हमारे समाज को हो सकता है। ये बात से हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सूरत चैनल के दर्शक मित्रों को डॉक्टर पूर्णिमा नाडकर्णी, डायरेक्टर ऑफ 21st सेंचुरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का नमस्कार। दोस्तों, हमें मालूम है कि अभी मतदान के दिन आ रहे हैं। हर 5 साल में मत देना होता है अपने को। मत इसलिए देना होता है ताकि हमें हमारी जो रोज़ की रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, अपना देश चलना है, अपना स्टेट चलना है, स्टेट में वातावरण अच्छा होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, पानी आना चाहिए, अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, निवारा चाहिए, हर एक की आमदनी अच्छी तरह होनी चाहिए, हर एक नागरिक सुख से और शांति से जीना चाहिए, ऐसे हमारी सबकी इच्छा होती है। ये सब अपने सुख शांति के लिए, हर एक डिपार्टमेंट चलने के लिए स्टेट चलना चाहिए। स्टेट में कोई हेड होता है और उसके साथ साथ उसका पूरी टीम होती है, फिर वही किसी भी इसकी हो, लेकिन हमें हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम सिलेक्ट करें कि कौन हमें अच्छी तरह न्याय देगा, हमको शांति से जीने के लिए कौन सी पार्टी हमें ज़्यादा हमें अच्छी लगती है, उसको हमने वोट देना ही चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा देखा जाए कि पूरे हिंदुस्तान में 50% लोग वोट करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो वोट नहीं करते, डॉक्टर लोग भी बहुत कम वोट करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कम वोट करते हैं, बहुत श्रीमंत लोग वोट करने जाते नहीं, कौन जाएगा, लाइन में कौन खड़ा रहेगा, बहुत गरीब लोग उनको समझता नहीं है। इस तरह ऐसा होता है कि जो सही लोग हैं वो वोट ही नहीं देते हैं, और इसीलिए फिर जो सत्ता आती है वो अपना चलाती है। सो इसलिए हम सबका कर्तव्य ये बनता है कि हम सब लोग हर एक आदमी जो 17 साल या 18 साल से ऊपर है, 18 साल है ना अभी कि 16 साल हो गया, 18 साल से ऊपर है, उसने जाना है और उस दिन वोट देके आना है, और वोट देने के पहले कौन से पार्टी का कौन है, वो पार्टी अपने यहाँ अच्छा काम कर रहे कि नहीं, उसका अभ्यास करके जाना चाहिए और सही ढंग से सही आदमी को वोट देना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज है। कल उठ के हमारे पर कुछ भी आपत्ति आई तो हम बोल नहीं सकते कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया, गवर्नमेंट ने ऐसा किया, गवर्नमेंट ने ऐसा किया, तुमने ही तो चुना उस गवर्नमेंट को। इसीलिए सही, अगर आपका लाइफ अच्छी तरह जाना चाहिए, ज़िंदगी आपकी अच्छी गुजरनी है, तो आपको खुद वोट देके अपनी पार्टी को जिताना है। दर्शक मित्र, कार्यक्रम के आगे बढ़ते हैं, पूर्णिमा जी से और बात करते हैं, इनफर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं। 21st सेंचुरी हॉस्पिटल और आपने सूरत में कामगिरी कितने समय के पहले शुरू की? 6 साल पहले, सबसे हमारा 35 years ago हमारा पारडी में हॉस्पिटल था। पारडी में हमारा नाम काफ़ी हो गया, इंटरनेशनल नाम हो गया वंध्यत्व में। टेस्ट बेबी सेंटर 17 साल पहले शुरू कर दिया था। फिर वापी में हमने 21st सेंचुरी हॉस्पिटल करके शुरू किया 12 साल पहले, वो भी मिनी हिंदुजा जैसे चलता है, सभी डिपार्टमेंट्स अच्छे चलते हैं। और उसके बाद में 6 साल पहले हमारी बेटी पूजा नाडकर्णी जब भी MD होके आए, हमने सूरत में शुरू किया। सूरत में सिर्फ 6 साल में हमारे करीबन 2000 जैसे प्रेगनेंसीज हैं। आजकल दर महीने में 100 केसेस होते हैं, उसमें 50-60 तो प्रेगनेंट हो जाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं अकेली करती थी, लेकिन पूजा मैडम अभी इतना सारा करती है, मुझे सबसे कम करना पड़ता है। और मेरी बेटी पूजा अदिति है, मेरे हस्बैंड है, प्रभाकर है, जिसने MD ही इज़ अ मास्टर्स डिग्री करके आए। मास्टर्स डिग्री वाले अपने देश में गुने चुने एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, और मुझे फ़ख्र है कि मेरा जमाई जो चेस्ट फिजिशियन है, आज वो लीड्स में से 2 साल पढ़ के MS की मास्टर्स की डिग्री लेके आया एम्ब्रियोलॉजी में, और बहुत जाना माना एम्ब्रियोलॉजिस्ट बना है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की और फख्र की बात है। पूर्णिमा जी, जब से आप सूरत में आई हैं, तब से ये पर्टिकुलर क्षेत्र में जागृति आई है, इस जागृति के बारे में बताएं कि लोग पहले क्या चाहते थे, उनकी तमन्ना क्यों पूरी नहीं होती थी, और अब आपके आने से ये तमन्ना किस तरह से पूरी हो रही है?
सबसे पहले है कि लोगों को जब भी बच्चा नहीं होता है, शादीशुदा होते हैं पति पत्नी, एक आध साल में बच्चा नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये जागरूकता नहीं थी। लेकिन ये अभी अवेयरनेस पढ़ो मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस आना लगा है। और मैं काफ़ी समय तक, 3 साल तक मैं रेगुलर इंटरव्यूज़ भी देती रही थी तो लोगों को अवेयरनेस काफ़ी इंटरव्यूज़ के, देखो मैं सभी चैनलों का धन्यवाद मानती हूँ क्योंकि तुम ही जो मीडिया है जो हमको आम जनता के पास ले जाते हैं और आम जनता सिलेक्ट कर सकती है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो सकता है, मैं इस डॉक्टर के पास जा सकती हूँ और उसको हल आता है। और इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द मीडिया, पेपर मीडिया, प्रिंट मीडिया एज वेल एज आपके जैसे टीवी वीडियो मीडिया। सो वो माध्यम से लोगों को समझता है। बाकी हमने जो रिज़ल्ट दिए हैं, हमारे 80% ऑफ द पेशेंट सूरत और आजू बाजू के हैं, 20% बाहर के हैं और 10% हमारे पेशेंट अब्रॉड वाले हैं। तो सूरत में ही हमने इतने बच्चे दिए हैं, करीबन 5 साल में हमने सूरत के क्षेत्र में 600 या 700 बच्चे हमारे सूरत में ही हैं। फिर उनके सभी रिश्तेदार यूके, अमेरिका, लंदन, न्यूजीलैंड के, अफ्रीका वगैरह के, उनको बच्चे दिए हैं। तो इस तरह हमारा नाम हुआ है। और जैसे नाम होता है, जैसे कि आई हैव अ हैबिट ऑफ टीचिंग, जब भी पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं हर चीज़ उसको सही ढंग से समझाती हूँ कि ये है, ये है, तुझे ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, इसके कारण तुझे बच्चा नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन लगेंगे। सो उससे पेशेंट को भी समझता है, उनको बुकलेट्स दी जाते हैं, पढ़े जाते हैं। सो अवेयरनेस प्रोग्राम्स वी डू क्वाइट वेल एंड दैट इज़ वाई पेशेंट्स आर नो उनकी भाई स्टेशन के पास एक 21st Century हॉस्पिटल है जहाँ बच्चा होता है, बस दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड वी आर ऑलवेज देयर, मैं नहीं तो मेरी बेटी हमेशा रहते हैं। सो इट मेक्स अ डिफरेंस व्हेन पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो डॉक्टर मिले और उसकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हुए तो अच्छा। व्हाट इज़ द सक्सेस रेशियो? पहले जब भी मैंने किला पार्टी में शुरू किया तो सक्सेस रेट 20-25% था, लेकिन आज हमारा सक्सेस रेट 60-70% हो गया है। एंड आई शुड गिव द क्रेडिट टू माय डॉटर, ओनली थिंग इज़ उसमें बहुत सारे ट्विन्स और ट्रिपलेट्स आते हैं हमारे, सो वो हमें कम करना चाहिए क्योंकि इस बार देखो 12 को हम लोगों ने 12 ट्विन्स डिलीवरी करने का डिसीजन लिया और ये सब टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रेगनेंसीज है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, हम 12 ट्विन्स को तैयार कर रहे थे। लेकिन क्या होता है, जब भी ट्विन्स आते हैं, एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के पेशेंट्स होते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ओबेसिटी होती है, एज ज़्यादा होता है, तो सब, और इतना बड़ा पेट हो जाता है, बड़े बड़े बच्चे होते हैं, तो पूरा 9 महीने तक नहीं जाते। तो 5-6 पेशेंट तो लेबर में गए और उनके डिलीवरी करनी ही पड़ी। सो ऐसा नहीं होता है कि ट्विन्स इज़ ऑलवेज प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी में हमें चाहिए कि हम सिंगल बच्चा दें। ये बात मेरी पूजा को अभी सीखनी बाकी है। पूर्णिमा जी, आपने बहुत बढ़िया बात की, जो सक्सेस रेशियो आपने बहुत खुली तरह से बताया कि 60-70% है। अब सवाल ये है कि जो 30-40% रह जाते हैं उसमें ऐसी कौन सी कमियां होती हैं कि उनको बच्चा हो ही नहीं सकता बावजूद इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है? एक्चुअली जब भी हम जब भी टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है बताती हूँ, फिर फेल्योर क्यों होता बता दें। टेस्ट ट्यूब बेबी में हम क्या करते हैं, मानो को ट्यूब बंद हो या तो पति में खामी हो, ऐसे कुछ हो, तो पहले हम हार्मोन्स के इंजेक्शन उनकी वाइफ को देते हैं, उसके बीज तैयार करते हैं, फॉलिकल्स तैयार करते हैं, फॉलिकल्स सोनोग्राफी मशीन मार्फत हम सब एस्पिरेट कर लेते हैं, अंडे चेक करते हैं स्टीरियोज़ूम माइक्रोस्कोप में, अंडे चेक करके उसको हम इनक्यूबेटर में रख देते हैं। फिर उनके हस्बैंड स्पर्म्स देते हैं, या तो स्पर्म्स अगर हस्बैंड को नहीं है तो उसके शुक्रपिंड में सुई डाल के स्पर्म्स निकालते हैं, जिसको टीसा या मीसा पद्धति बोलते हैं। ये स्पर्म निकालने के बाद हर एक एग में वो स्पर्म हम इंजेक्ट करते हैं, उसको इक्सी बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसके बाद जो भ्रूण तैयार हो जाते हैं, day 3 या day 5 को हम अंदर डालते हैं। day 5 डाले तो ब्लास्टोसिस बोलते हैं, day 3 डाले तो day 3 ट्रांसफ़र बोलते हैं, और फिर बच्चा टिकने के लिए 15 दिन दवा देते हैं, उसको ल्यूटियल फेज सपोर्ट बोलते हैं। इसके बाद में 15 दिन के बाद ब्लड टेस्ट होता है, बीटा एचसीजी टेस्ट 50 से ज़्यादा आता है तो हमारे यहाँ प्रेगनेंसी आती है, लेकिन कभी कभी नहीं आती और पेशेंट नाराज़ होता है, हमको लगता है हाय हाय पेशेंट का इतना सारा पैसा गया। नाउ व्हेन देर इज़ अ फेल्योर, 3 things आर इम्पॉर्टेंट। 1 thing, जो एम्ब्रियो तैयार होता है, एम्ब्रियो पति और पत्नी के मिलन से जो एम्ब्रियो तैयार होता है उसकी क्वालिटी अच्छी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब भी एम्ब्रियो हम यूट्रस के अंदर डालते हैं तो गर्भाशय का जो पड़ होता है उसको हमारी भाषा में एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो अच्छी तरह तैयार होना चाहिए, रिसेप्टिव एंडोमेट्रियम होना चाहिए, ये नंबर 2। नंबर 3, दोनों का डायलॉग क्लिक होना चाहिए।
शरीर को मांगता है ये एम्ब्रियो मेरा है, मैं ले लूँगा तो ले लूँगा, मेरी मर्जी नहीं बोले तो छोड़ देता है. सो दिस थर्ड थिंग इज़ नॉट इन अवर हैंड्स. हम अच्छे एम्ब्रियो तैयार करते, ग्रेड वन एम्ब्रियो तैयार करते, हमारे हाथ में है. एंडोमेट्रियम तैयार करते, दवा देते, ये देते, वो देते, उसका अंदर का पड़ तैयार करने की पूरी कोशिश करते, हमारे हाथ में है. लेकिन जो क्लिक होना है, द डायलॉग बिटवीन एम्ब्रियो एंड एंडोमेट्रियम इज़ इन गॉड्स हैंड्स, वो भगवान के हाथ में है. जहाँ हम कहीं नहीं पहुँच पाए, उसके लिए हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी सारे असिस्टेड हैचिंग करते हैं, पीजीडी करते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस करते हैं, स्पेशल दवाइयाँ देते हैं, स्पेशल इंजेक्शन, लोहे का पानी होने का इंजेक्शन देते हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ देते हैं. लेकिन कबूल कबूल कबूल, ये जो करने का काम होता है, मेरे हिसाब से ऑलमाइटी डज इट. अब हमारे सबके ताकत के ऊपर एक ताकत है जो हाँ बोलती है, उस दिन उसको बच्चा आता है. और उसी ताकत ने उसको 9 महीना ले जाना है. आप समझे, हम कुछ भी इंजेक्शन दो, दवा दो, हार्मोन्स दो, उसको आराम दो, 9 महीने ऐसे पकड़ के रखो, तो भी अगर उसको छोड़ होना है तो होना है, उसको बच्चा गिर जाना है तो गिर जाना ही है. दैट इज़ नॉट इन अवर हैंड्स, दैट इज़ समथिंग इज़ फेट. मैं हमेशा बोलती भगवान है और नसीब भी है, और हम उसके ऊपर बहुत सारी मेहनत करते हैं. देर इज़ अ पैशन इन आवर फैमिली. मेरे हस्बैंड, मेरा जमाई, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, एवरी वन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट द होल स्टाफ ऑफ 21st सेंचुरी हॉस्पिटल. दे आर वेरी पैशनेट अबाउट स्पर्म एंड एग एंड स्पर्म एंड एग एंड प्रेगनेंसी. आई थिंक दैट इज़ द कॉज अवर सेंटर गिव्स मैक्सिमम रिजल्ट्स. कभी कभी ऐसा हो जाता है डॉक्टर साहब कि किसी को आपकी ट्रीटमेंट से आप बोलते हैं कि यू आर नाउ प्रेग्नेंट, और जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में होती है मिसकैरेज बीच बीच में हो जाता है, ऐसा टेस्ट ट्यूब बेबी में भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल ही होता है. 10% नहीं, द कॉज इज मे बी द एंडोमेट्रियम. जो एंडोमेट्रियम अंदर का जो गर्भाशय का पड़ होता है ना, वो बच्चे को 9 महीना ले जाने के लिए उसने उसको ब्लड सप्लाई देना चाहिए. फिर उसके जो एम्ब्रियोज का जो प्लाजेंटा अंदर अच्छी तरह जाके उसको ब्लड सप्लाई कंटिन्यूसली माँ से मिलना चाहिए, एंडोमेट्रियम से. कभी कभी एंडोमेट्रियम में डिफेक्ट होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, एंडोमेट्रियम की वैस्कुलरिटी, ब्लड सप्लाई बहुत कम होता है, उसको जाड़ा जाड़ा आया होता है, घड़ी घड़ी इन्फेक्शन हुआ होता है, या तो एक दूसरे को पड़ चिपका होता है, जिसको एशरमंस बोलते हैं. ऐसे केसेस में कुछ भी मेहनत करो, पेशेंट फेल हो जाता है और मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है. सो दैट इज़ नॉट इन. ऐसे केस में कभी कभी हमको सरोगसी करनी पड़ती है, दूसरी माँ ढूंढनी पड़ती है, दूसरा गर्भाशय ढूंढना पड़ता है, इतना पुअर गर्भाशय हो तो. दोस्तों, हम बात करते हैं 21st सेंचुरी हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर पूर्णिमा नाथकर्णी जी से. पूर्णिमा जी, आपके साथ आगे बढ़ते हैं. आज 25 दिसंबर है, विश्व एड्स दिन है, और विश्व एड्स दिन का सीधा तो कोई मतलब फर्टिलिटी से या इनफर्टिलिटी से नहीं होता है, फिर भी अगर कुछ करेक्शन है तो आप उसके बारे में बताएंगे. ने बहुत अच्छी बात की तुमने HIV की. दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये इन्फेक्शन जो है वो पति पत्नी के, एक स्त्री और एक पुरुष के साथ जब संबंध करती है, कोई भी उसमें से एक भी HIV संबंधित हो और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया, तो ये इन्फेक्शन दूसरी पार्टी को आ सकता है. दैट इज़ वन रीज़न. सेकेंड, माँ से बच्चे को आ सकता है. थर्ड, अगर ब्लड किसी का ब्लड ले लिया है, ऑफकोर्स अभी आजकल ब्लड बैंक में से हर एक बार HIV टेस्टेड बट होता है, लेकिन कभी कभी ब्लड में से एक को HIV हो, अगर वो विंडो पीरियड में है, ब्लड उसने दे दिया है विंडो पीरियड में है, तो HIV निगेटिव आया है, वही ब्लड रखा है, वो 15 दिन के बाद दूसरे को दिया गया, तो बाद में उस आदमी को HIV हो सकता है. ये तीसरा है. और चौथा काज है नीडल्स. HIV बाधित आदमी जो कभी कभी आपने हीरोइन वगैरह लेते वगैरह ड्रग अवेयरनेस वाले ड्रग एडिक्ट वाले लोग एक दूसरे को सुई वापरते, इफ़ ही हैज़ गॉट HIV, वो सुई दूसरे को वापरे तो HIV हो सकता है. ये सो दैट इज, दीज आर द 4 वेज HIV एक से दूसरे को जा सकता है. सबसे पहले मेरी बातें ये है कि जब शादी के पहले भी जो बच्चे कॉलेज में वगैरह जाते हैं, तो प्री मैरिटल सेक्स जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए. अपनी तो संस्कृति में वो है ही नहीं, तो चारित्र अच्छा रखना चाहिए और प्री मैरिटल सेक्स जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए. बट सपोज़ यू कैनॉट अवॉइड, यू आर मैडली इन लव विद समवन एंड यू वॉन्ट टू स्लीप विथ हिम, एंड यूज़ कंडोम. निरोध वापरना ही चाहिए.
लड़की या लड़के ने अपने साथ निरोध हमेशा, जिसको ऐसा लगता है कि आई एम इन द रिस्क फैक्टर कि मैं जरा आउटलाइन का हूँ या मैं ज़रा मस्ती कर सकता हूँ, तो उस लड़के ने या उस लड़के ने अपने साथ पर्स में निरोध, पॉकेट में निरोध रखना ही चाहिए, ताकि अगर तुमसे ये गलती होने वाली है कभी भी, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ, और एक गलती की सज़ा ज़िंदगी भर HIV से नहीं भुगत लोगे। ये मेरा जवान लोगों, जवान बच्चों के लिए मैसेज है। शादीशुदा लोगों के लिए मैसेज ये है कि एक ही पत्नी के साथ रहना, उसी पत्नी के साथ निभाना, वो ज़्यादा अच्छा। शादी के बाहर चखने जाओगे तो कभी ना कभी HIV के शिकार बन सकते हो। सो दुबई जाना, इधर जाना, हांगकांग जाना, बैंकॉक जाना, एंड देन यू हैव दोज मसाजेस, दिस दैट, एंड यू इंडल्ज इन द सेक्स आउटसाइड द मैरिज, दैट मे लीड यू टू कॉन्ट्रैक्ट HIV। सो कभी भी शादी के बाहर शारीरिक संबंध अवॉइड ही करना चाहिए। ये शादीशुदा लोगों के लिए मेरा मैसेज है, बिकॉज आज तक दोस्तों HIV के लिए कंप्लीट ट्रीटमेंट हिंदुस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड आई नहीं। तो दोस्तों डॉक्टर पूर्णिमा नादकर्णी जी से ये एपिसोड समाप्त करते हैं। पूर्णिमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरक्षा से बातचीत करने का। आपके दोस्त निखिल मद्रासी और चेतन वर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।